माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश कुल्लू श्री पुरेंद्र वैद्य जी से धर्मचंद चौधरी एक्टिंग चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन स्टेट लीगल एसोसिएशन चौधरी को ठाकुर जी बैठे हैं और अन्य वक्ता भी मेरे बाद आएंगे। मेरी एक हल्की सी कोशिश थैंक यू मैनोर। तो हमें ऐसा लगता है कि नशा शायद हम शराब को कई दफा हमें सोचते हैं कि ये नशा नशा नहीं है क्योंकि सामाजिक तौर पर इसका चलन बढ़ता जा रहा है। घर में हमारे बड़े जो हमारा बड़ा भाई सेवन करते हैं तो उन्हें इस बात से हमेशा जागरूक कर रहे हैं तो यू आर मिस्ड इन द सोसाइटी। यहाँ पर ये जो इसको ये जो आज साक्षरता कैंप हमने शिविर लगाया था यहाँ, इसका मकसद था कि हम जागरूक करें लोगों को कि किस तरह से ये जो भौतिकवाद एक दिखावा समाज के अंदर जो है ये फैल रहा, मतलब दिखावा जो वो एक ऐसी भ्रांति समाज के अंदर आ रही है और जो नैतिक मूल्य थे हम उनको भूलते जा रहे हैं, तो इसके बारे में इनको जागरूक करने का था। और जो दूसरी ज्वलंत समस्या जो है वो है जैसे ड्रग अब्यूज़ है, क्योंकि आजकल चारों तरफ यही है कि ड्रग एडिक्शन का वो है बोलबाला है, स्कूलों में हमारी यंग जनरेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हमारा इस जो शिविर के माध्यम से खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं और जिनके बच्चे हैं जो घर में ज़्यादातर रहती है, उनको ये के संदेश देना था कि भाई आप अपने घर परिवार को पहले संभालो। तो ये हमारा मकसद था कि ताकि इस ये जो ड्रग एडिक्शन है इस बुराई के ऊपर हम वो जो है काबू पाए। द हिमाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी इन हैविंग कंडक्टेड सच ए मीनिंगफुल एंड थॉटफुल प्रोग्राम because by this you know lot of children, lot of students, lot of teachers, lot of doctors and all those who are otherwise engaged in building up a society, they have understood what is diversity, they have understood what is their fundamental duty, what they have understood how they have to take important steps to renounce practices which are derogatory to women, and is not only men, is the women also have to take up such roles also. They have also realized that Bharat Mera Hai or Mera Bharat Mahan Hai or Sarva Bharatiyo, irrespective of caste, color, creed, religion or language or region, all are my brothers and sisters, and we have to build up a common brotherhood. Only through such building up of a society where everybody is treated as brother and sister, empowering the women. Because unless the women in the country are empowered, it will be very difficult for the society to be guided properly. So I was giving them a different message altogether, that it is self-empowerment that is very important in these days. I don't say it is more important, but self-empowerment is very important, because self-empowerment being would mean be law-abiding, be good, be right, be proper, be accommodating, be tolerant, be always in the right side, and be bold, and etc. All these things, you know. So by this, you know, you become always self-empowering.